हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। टुडे वी विल कवर चैप्टर नंबर 9 फ्रॉम स्टैंडर्ड 6। चैप्टर नंबर 9 इज द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट। तो हम इस चैप्टर में क्या स्टडी करने वाले हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म के कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखने वाले हैं एंड हैबिटेट्स के बारे में। तो लेट्स सी दिस चैप्टर। Let's see this chapter, the living organism characteristic and habitats. Pahali and Buzu went to vacation to many places of interest. Buzu और Pahali थे, वो vacation पे गए थे, बहुत सारे places में उनको interest था. One such a trip took them over river Ganga, Rishikesh. और एक trip कहाँ गई थी उनकी? River Ganga के पास Rishikesh में. The climate, the mountains of the Himalayas where it was very cold. और वो mountain के पास में Himalayas में गए थे, वो कैसे थे? बहुत ही ज़्यादा cold था. They saw many kinds of a tree. और वहाँ पर बहुत सारे different types के क्या थे? Trees on this mountain. और उस mountain में क्या थे? बहुत सारे different kinds के trees थे. Oaks, pines and deodars, very different form. The ones near their home on the plain. In yet another trip, they traveled the Rajasthan and moved one camel through the hot desert. और एक बार वो कहाँ गए? राजस्थान गए. राजस्थान में उन्हें क्या देखे? कैमल. और वो कैसे रहते थे? हॉट डेजर्ट में. They collected different kinds of cactus plants from this trip. और उन्होंने क्या किए थे? Different types of cactus plant को उन्हें collect किए थे. Finally, they went on the trip up to Puri and visited the sea beach. और finally, last में वो कहाँ गए? Finally वो कहाँ गए? पुरी गए. ट्रिप उनकी पुरी गई और उन्होंने विजिट किए कहाँ? सी बीच को. डॉटेड द कस्कोरियन ट्रीज. और उन्होंने क्या किया? डॉटेड किए वहाँ पर क्या? कस्कोरियन ट्रीज को. वाइल रिकलेक्टिंग ऑल द फन दैट दे हैड ऑन दिस ट्रिप, ए थॉट स्ट्रक देम. All these places were so different from another and some were cold. तो उन्होंने क्या notice किया कि वहाँ के जो वो different places पे गए थे, तो वो उन्होंने notice किया कि different places पे और different natures, मतलब वहाँ के natures कैसे होते हैं? Different होते हैं. और कुछ places होते हैं जो cold होते हैं. And yet all of them had many organisms of a various kind. और उन्होंने ऑब्जर्व किए कि different टाइप्स में है ना, मेनी ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं? वेरियस काइंड के, मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो वेरियस काइंड्स के हैं. दे अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 9.1. 9.1 है ऑर्गेनिजम्स एंड दी सराउंडिंग्स वेयर दे लाइव. ऑर्गेनिजम्स और उसके आजू बाजू है ना, सराउंडिंग के बारे में और वो कैसे लाइव करते हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे. तो देखो यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है 9.1. आपको समझ में आ रहा होगा कि भूजो और पहली क्या कर रहे हैं? वहाँ पर बैठे हुए हैं और उनके सराउंडिंग में बहुत सारे ट्रीज हैं, एनिमल्स है ना, प्लांट्स है. वहाँ का जो एरिया है वो कैसे है? ग्रास है. तो ये क्या है? सब ऑर्गेनिजम्स है. क्या है ये? ऑर्गेनिज्म, मतलब हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? लाइव करते हैं, या फिर हम किसी और के सराउंडिंग में लाइव करते हैं. अब आपको क्या करना है? टेबल पॉइंट 9.1 में एनिमल, प्लांट्स एंड अदर ऑब्जेक्ट फाउंड इन डिफरेंट सराउंडिंग इन द फॉरेस्ट, ऑन माउंटेन्स, इन द डेजर्ट, इन द सी, एनी अदर्स. अब आपको क्या करना है? आपके जो सराउंडिंग में है ना, डिफरेंट सराउंडिंग में, जैसे कि एनिमल्स है, प्लांट्स है, अदर ऑब्जेक्ट्स है, उनको आपको ऑब्जर्व करना है. जैसे कि माउंटेन में आपको क्या नज़र आता है और फॉरेस्ट में आप क्या देखते हो, है ना, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ राइट करनी है. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 9.2, हैबिटेट एंड अडाप्टेशन. देखो हैबिटेट क्या होता है एंड अडॉप्टेशन क्या होता है, वो हमें क्या करना है? यहाँ स्टडी करना है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हैबिटेट एंड अडॉप्टेशन. हैबिटेट मतलब क्या होता है? निवास, है ना, हम जहाँ निवारण करते हैं, निवास रहते हैं. और अडॉप्टेशन मतलब किसी भी चीज़ को अडॉप्ट करना या फिर उसका अडॉप्ट करना.
तो हम क्या करेंगे, इसे स्टडी करेंगे. इन द सी प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सराउंडेड बाय सलाइन, साल्टी वाटर. सलाइन मतलब क्या होता है, साल्टी. क्या होता है, साल्टी. जो प्लांट्स सी के आजू बाजू में जो प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं वो किस सराउंडेड में होते हैं, सलाइन, साल्टी वाटर के सराउंडेड में होते हैं. मोस्ट ऑफ देम यूज द एयर डिजॉल्व इन अ वाटर, और बहुत बार क्या होता है, यूज़ करते हैं एयर डिजॉल्व करते हैं वाटर में. देयर इज़ अ वेरी लिटल वाटर अवेलेबल इन द डेजर्ट, और डेजर्ट में क्या होता है, बहुत ही छोटी मात्रा में, बहुत ही कम मात्रा में वाटर अवेलेबल होता है. इट इज़ अ वेरी हॉट इन द डे टाइम, और वो कैसे होते हैं, डे टाइम में बहुत ज़्यादा हॉट रहते हैं. एंड वेरी कोल्ड, और डे टाइम एंड वेरी कोल्ड एट अ नाइट इन द डेजर्ट, और रात के टाइम पे, नाइट के टाइम पे वो कैसे रहते हैं, वेरी कोल्ड रहते हैं. द एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑफ अ डेजर्ट लाइव ऑन द डेजर्ट सॉइल एंड द ब्रीथ एयर फ्रॉम द सराउंडिंग, और वहाँ के जो एनिमल्स और प्लांट होते हैं डेजर्ट के ऊपर में जो लाइव करते हैं, वहाँ की जो सॉइल होती है ना, सॉइल रहती है वो ब्रीथ रहती है, एंड एयर, और एयर रहते हैं वहाँ पर उनके सराउंडिंग में. द सीज and desert are a very different surrounding, and we find a very different kinds of plants and animals in these two regions. यहाँ के जो seas होते हैं, desert होते हैं, वो different surroundings में रहते हैं, and वो कैसे रहते हैं, वहाँ के जो plants और animals रहते हैं वो different kinds और different regions में रहते हैं. तो ये भी आपको क्या करना है, study करना है. Next हम देखेंगे the place where organism live is called habitat. जहाँ ऑर्गेनिज्म रहते हैं, है ना, जहाँ ऑर्गेनिज्म निवास करते हैं, जहाँ ऑर्गेनिज्म्स रहते हैं, लाइव करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, हैबिटेट. क्या कहा जाता है, हैबिटेट. हैबिटेट मीन्स ड्वेलिंग प्लेस. मतलब हैबिटेट क्या होता है, हैबिटेट का मीनिंग क्या होता है, जिस जगह पर होम रहते हैं, घर रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, क्या कह सकते हैं, हैबिटेट कहते हैं. द हैबिटेट प्रोवाइड्स फूड, वाटर, एयर, शेल्टर एंड अदर नीड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म. हैबिटेट क्या करते हैं, प्रोवाइड्स करते हैं क्या, वाटर, एयर, शेल्टर, फूड, और जो भी ऑर्गेनिज्म को, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को ज़रूरत होती है उन्हें वो क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं. सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लाइव इन द सेम हैबिटेट, और ऐसे ही कुछ तरह के जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो कहाँ करते हैं, सेम जगह पर निवास करते हैं. द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लाइव ऑन द लैंड, जो प्लांट्स और एनिमल्स कहाँ लाइव करते हैं, लैंड के ऊपर, दे आर सेड टू बी लाइव टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, और उन्हें हम क्या कहते हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स करते हैं. क्या कहते हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट. सम एग्जांपल ऑफ अ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स आर फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, कोस्टल्स एंड माउंटेन रीजन. या माउंटेन रीजन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स, और फॉरेस्ट में जो ग्रासलैंड, डेजर्ट के ऊपर में जो एनिमल्स लाइव करते हैं, है ना, जैसे कि तो उन्हें हम क्या कहते हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कहते हैं. क्या कहते हैं उन्हें हम, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट. नेक्स्ट हम देखेंगे ऑन द अदर हैंड द हैबिटेट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लाइव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वाटिक हैबिटेट. जो एनिमल्स क्या करते हैं, वाटर में लाइव करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, एक्वाटिक हैबिटेट. क्या कहते हैं, एक्वाटिक हैबिटेट. उसके एग्जाम्पल हैं उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि लेक्स, रिवर्स एंड ओशियंस आर सम एग्जाम्पल ऑफ एक्वाटिक हैबिटेट. देयर आर लार्जर वेरिएशन among the terrestrial habitat like forest, grassland, desert, coastal and mountain regions located in different parts of the world. Organism both plants and animals living in habitat are the biotic components. जो organism plants both plants मतलब जहाँ जिस organism में क्या होते हैं, plants भी होते हैं and animals भी live करते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है, biotic components. क्या कहा जाता है, बायोटिक components. द नॉन लिविंग थिंग्स सच एज द रॉक्स, जैसे कि जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो क्या है, रॉक्स है, सॉइल है, एयर है, वाटर है. द हैबिटेट कॉन्स्टिट्यूएंट इज अ बायोटिक कंपोनेंट, और इन्हीं क्या कहा जाता है, अबायोटिक कंपोनेंट. आर सनलाइट एंड द हीट बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट. आपको बताना है कि जो सनलाइट और हीट है वो बायोटिक कंपोनेंट है कि
अबायोटिक कंपोनेंट है। इसके बाद आपको दिया हुआ है एक्टिविटी टू। एक्टिविटी टू आपको घर पे सॉल्व करना है, इसे रीड करना है और एक्टिविटी टू को आपको प्रैक्टिकली करना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 9.3। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 9.3 और जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट। मतलब जो जर्नी होती है वहाँ के जो थॉट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, डिफरेंट हैबिटेट के होते हैं। तो फर्स्ट देखेंगे हम सम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट डेजर्ट। कुछ हम देखेंगे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स के बारे में और फर्स्ट हम देखेंगे डेजर्ट। वी डिस्कस द अबायोटिक फैक्टर्स ऑफ अ डेजर्ट एंड एडाप्टेशन इन कैमल्स। व्हाट अबाउट अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट आर फाउंड इन डेजर्ट, डू यू हैव द सेम काइंड ऑफ अडाप्टेशन? देयर आर डेजर्ट्स एनिमल लाइक रैट्स एंड स्नेक्स विच डू नॉट हैव अ लॉन्ग लेग्स दैट अ कैमल हैज। टू स्टे अवे फ्रॉम द इंस्टेंट हीट ड्यूरिंग द डे, द स्टे इन द ब्यूरोज डीप इन दिस सैंड। दिस एनिमल्स कम आउट ओनली ड्यूरिंग द नाइट when it is cooler. Fear 9. Show some typical plants that grow in desert. How are these adapted to this desert? अब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो दिन में तो नहीं रहते लेकिन जब शाम हो जाती है, रात हो जाती है, नाइट हो जाती है तो वो क्या करते हैं, सॉइल के ऊपर आते हैं, है ना, डेजर्ट में ऊपर नजर आते हैं। तो ये आपको दिया हुआ है 9.5 में, ये आपको क्या करना है, स्टडी करना है। एक्टिविटी थ्री आपको घर पे रीड करना है और उसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखेंगे माउंटेन रीजन। माउंटेन रीजन में क्या होता है, द हैबिटेट्स आर नॉर्मली वेरी कोल्ड एंड वाइंडी। यहाँ का जो हैबिटेट्स होता है नॉर्मली कैसे रहता है, वेरी कोल्ड रहता है और वाइंडी रहता है। इन सम एरियाज, कुछ एरियाज में स्नोफॉल मे टेक प्लेस इन विंटर। कुछ एरिया में स्नोफॉल्स होता है कब, विंटर में। देयर इज अ लार्जर वेराइटी ऑफ अ प्लांट्स, वहाँ पर क्या होती है, लार्जर वेराइटीज रहती है प्लांट्स की एंड एनिमल्स की लिविंग द माउंटेन रीजन, और वहाँ पर एनिमल्स क्या करते हैं, लाइव करते हैं माउंटेन रीजन में। हैव यू सीन द काइंड ऑफ थिंग, सो 9.6 आपको ये 9.6 फिगर में समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे ग्रासलैंड। क्या है नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ग्रासलैंड। अ लायन लाइव्स इन अ फॉरेस्ट और अ ग्रासलैंड एंड इज अ स्ट्रॉन्ग एनिमल दैट कैन हंट एंड किल एनिमल्स लाइक अ डीर। जो लायंस होते हैं वो लाइव्स करते हैं फॉरेस्ट में और कहाँ होते हैं, ग्रासलैंड में, एंड इज अ स्ट्रॉन्ग एनिमल, और ये कैसे है, स्ट्रॉन्ग एनिमल है दैट कैन हंट एंड किल लाइक अ डीर। ये क्या करते हैं, हंट करते हैं किसी भी, हंट करते हैं, किल करते हैं किसे, जैसे कि डीर है ना, डीर है उसे ये क्या करते हैं, किल कर लेते हैं, उसकी हत्या कर देते हैं। इट इज़ अ लाइट ब्राउन इन कलर, ये कैसे होते हैं, लाइट ब्राउन कलर के होते हैं। लुक एट द पिक्चर ऑफ द लायन एंड दैट ऑफ द डियर, ये आपको यहाँ पर फिगर में दिया हुआ है, इसे भी आपको क्या करना है, स्टडी करना है। क्या करना है, स्टडी करना है। अ डियर नीड्स टू नो अबाउट द प्रेजेंस ऑफ अ प्रेडेटर एनिमल्स लाइक अ लायन दैट मेक्स देयर प्रे। अब देखो प्रेडेटर्स क्या होते हैं, मतलब जो एनिमल्स प्रे करते हैं, है ना, तो किसके ऊपर करते हैं वो, प्रेडेटर्स के ऊपर में। नेक्स्ट हम देखेंगे सम एक्वाटिक हैबिटेट्स। क्या देखेंगे, एक्वाटिक हैबिटेट, ओशन। वी ऑलरेडी डिस्कस्ड हाउ द फिश अडेप्टेड टू द लाइव इन द सी। मेनी अदर एनिमल्स हैव अ स्ट्रीम लाइन, बहुत सारे आपने देखे होंगे जो एनिमल्स होते हैं वो स्ट्रीम लाइन बॉडीज के होते हैं। हेल्प टू द मूव इजीली इन वाटर, और वो कैसे रहते हैं, हेल्प करते हैं इजीली मूव करने के लिए वाटर में। देयर आर सम एनिमल्स सी एनिमल्स लाइक स्क्वाइड एंड ऑक्टोपस, और कुछ एनिमल्स हैं जैसे कि ऑक्टोपस और स्क्वाइड विच डू नॉट हैव दिस स्ट्रीम लाइन शेप। ये कैसे होते हैं, स्ट्रीम लाइन शेप होते क्या, नहीं, दे स्टे डीपर, ये कैसे रहते हैं, स्टे डीपर रहते हैं द ओशन में, नियर दी सी बेड एंड कैच एंड प्रे दैट मूव्स टूवर्ड देम। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे पॉन्ड्स एंड लैक्स। पॉन्ड्स एंड लैक्स के बारे में तो आप सभी को पता है, अपने एरिया में बहुत सारे पॉन्ड्स हैं, लैक्स हैं, है ना, इसके बारे में आपको क्या करना है, खुद इन्फॉर्मेशन राइट करनी है और इसे अच्छे से रीड करना है। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे
9.4. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 9.4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिजम्स. ऑर्गेनिजम्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो हम क्या करने वाले हैं यहाँ स्टडी करने वाले हैं. डू ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड? क्या ऑल ऑर्गेनिजम्स को फूड की ज़रूरत होती है? चैप्टर 1 और 2, ये ऑलरेडी आप चैप्टर 1 और 2 में पढ़ चुके हो, है ना, ये हम नहीं पढ़ेंगे. फूड गिव्स ऑर्गेनिज्म द एनर्जी नीडेड फॉर द ग्रोथ. अब देखो फूड क्या करता है, और एनर्जी देता है और हमारे बॉडी की ग्रोथ करने में हेल्प करता है. ऑर्गेनिजम्स आल्सो नीड एनर्जी. ऑर्गेनिजम्स को क्या क्या चाहिए होती है? एनर्जी चाहिए होती है फॉर द लाइफ प्रोसेस दैट गो इनसाइड देम. उन्हें जीवन जगने के लिए क्या चाहिए होता है? एनर्जी की ज़रूरत होती है. तो एनर्जी कहाँ से मिलती है हमें? फूड से. कहाँ से मिलती है? फूड से. नेक्स्ट है, डू ऑल ऑर्गेनिजम्स शो ग्रोथ? क्या ऑल ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ होती है? वो हमें क्या करना है? शो करना है. तो देखो यहाँ पर अ बेबी ग्रोज इनटू एन एडल्ट. जब वो एडल्ट रहता है तो वो कैसे रहता है? ग्रो करता है. तो वो यहाँ पर आपको फिगर से समझ में आ जाएगा. नेक्स्ट टॉपिक है, डू ऑल ऑर्गेनिज्म रेस्पायर? क्या ऑल ऑर्गेनिजम्स को रेस्पायर की ज़रूरत होती है? हाँ, तो ये हम ब्रीदिंग इज द पार्ट ऑफ अ प्रोसेस. ब्रीदिंग क्या है? ये पार्ट है किसका? प्रोसेस का. कौन से प्रोसेस का? रेस्पिरेशन प्रोसेस का. कौन सी प्रोसेस का? रेस्पिरेशन प्रोसेस का. ब्रीदिंग क्या है? एक पार्ट है इन रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन में सम ऑफ द ऑक्सीजन्स ऑफ द एयर वी ब्रीथ इन. कुछ ऑक्सीजन्स होते हैं वो हम क्या करते हैं? एयर के थ्रू ब्रीथ करते हैं. इन यूज्ड इन दी बॉडी, और वो हमारे बॉडी के लिए कैसे रहते हैं? यूज होते हैं. वी ब्रीथ आउट कार्बन, और हम क्या करते हैं? ब्रीथ आउट करते हैं किसे? कार्बन डाइऑक्साइड को. प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस, जो इन प्रोसेस में हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है वो हम क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं, सॉरी प्रोड्यूस ब्रीथ आउट करते हैं. द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन एनिमल्स लाइक काउ, बफेलोज, डॉग्स और कैट्स इज सिमिलर टू ह्यूमन. जैसे कि जो प्रोसेस होती है ब्रीदिंग की, है ना, एनिमल्स में, जैसे कि काउज है, बफेलोज है, डॉग्स है, कैट्स है, वो कैसी होती है? सिमिलर होती है. किसके जैसी? ह्यूमंस के जैसी. नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे, डू ऑल ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई? क्या ऑल ऑर्गेनिजम्स में रिस्पॉन्ड होता है स्टिमुलाई का? चेंजेस इन अवर सराउंडिंग दैट मेक अस रिस्पॉन्ड टू देम आर कॉल्ड स्टिमुलाई. जैसे कि हमारे सराउंडिंग में जो चेंजेस होते हैं तो वो रिस्पॉन्ड करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? स्टिमुलाई करते हैं. क्या कहते हैं? स्टिमुलाई कहते हैं. जैसे कि अचानक से हवा आ रही है, है ना, अचानक से बारिश हो रही, तो वो हम उन्हें हम क्या कह सकते हैं? नेचुरली, है ना, हमारे सराउंडिंग में क्या हो रहे हैं? चेंजेस आ रहे हैं. हमारे सराउंडिंग में क्या आ रहे हैं? चेंजेस आ रहे हैं. तो वो क्या है? उन्हें हम क्या कह सकते हैं? क्या कह सकते हैं? स्टिमुलाई. नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एक्सक्रेशन. क्या देखेंगे? लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एक्सक्रेशन. ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड. आप सभी को बताए कि ऑल ऑर्गेनिज्म को किसकी ज़रूरत होती है? फूड की. नॉट ऑल द फूड दैट इज ईटन कम्प्लीटली यूज्ड, ओनली अ पार्ट ऑफ इट इज यूटिलाइज बाय द बॉडी. हम पूरा फूड ईट करते हैं क्या? नहीं, जो हमें हमारे बॉडी के लिए यूटिलाइज होता है वही फूड को हम क्या करते हैं? वही फूड हम लेते हैं. द प्रोसेस ऑफ अ गेटिंग रीड ऑफ अ वेस्टेज बाय ऑर्गेनिज्म इज नोन एज एक्सक्रीशन. जो प्रोसेस होती है गेटिंग रीड की, और जो वेस्ट मटेरियल होते हैं ऑर्गेनिजम्स की, वो कहाँ जाते हैं? बाहर जाते हैं. तो उन्हें क्या कहा? उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? एक्सक्रीशन. क्या कहा जाता है? एक्सक्रीशन. डू प्लांट्स ऑल्सो एक्सक्रीट? क्या प्लांट्स भी एक्सक्रीट करते हैं? दे डू, बट नॉट एज अ सीन इन एनिमल्स. जैसे वो करते हैं लेकिन एनिमल्स को सीन होते हैं क्या? नहीं. द मेकेनिज्म इन अ प्लांट्स आर द लिटल डिफरेंट. और जो मेकेनिज्म होती है प्लांट्स की, वो कैसे होती है? छोटी सी डिफरेंट होती है. सम प्लांट्स फाइंड इट पॉसिबल टू स्टोर द वेस्ट प्रोड्यूस्ड विद इन देयर पार्ट्स इन अ वे दैट दी डू नॉट हार्म एन प्लांट्स एज अ होल. सम प्लांट्स रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट एज अ सिक्रेशन. कुछ प्लांट्स क्या करते हैं? रिमूव करते हैं प्लांट्स के वेस्ट प्रोडक्ट को, और वो क्या हो जाता है? किसके थ्रू करते हैं? वो सिक्रेशन के थ्रू. नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, डू ऑल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड? क्या ऑल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं अपने खुद के ओन काइंड्स को? हैव यू एवर सीन नेस्ट ऑफ दिस सम बर्ड्स लाइक अ पिगन? क्या आपने
सिनक्यू नेस्ट बर्ड्स के, जैसे कि पिगन्स पाइगन्स के होते हैं। मेनी बर्ड्स ले देयर एग्स, बहुत सारे जो बर्ड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, लेग्स रहते, एग्स देते हैं नेस्ट। सम ऑफ द एग्स हैच एंड यंग बर्ड्स कम आउट देम, और बहुत सारे जो बर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं, हैच करते हैं एग को, और वहाँ से क्या मिलते हैं, यंग बर्ड्स कम आउट होते हैं। एनिमल्स रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड, और एनिमल्स क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं अपने खुद के काइंड को। द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मे बी डिफरेंट, जो मोड ऑफ मोड होते हैं रिप्रोडक्शन के वो कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं इन डिफरेंट एनिमल्स। डिफरेंट एनिमल्स में रिप्रोडक्शन के जो मोड्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। सम एनिमल्स प्रोड्यूस देयर यंग वंस थ्रू एग, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं अपने एक से यंग वंस को, मतलब किसी यंग्स को वो एक से निकालते हैं। सम एनिमल्स गिव बर्थ, कुछ एनिमल्स क्या करते हैं, बर्थ करते हैं, है ना, यंग वंस को, किसी एक को, यंग्स को, यंग को क्या करते हैं वो बर्थ करते हैं। प्लांट्स आल्सो रिप्रोड्यूस, प्लांट भी क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं लाइक एनिमल्स। प्लांट्स आल्सो डिफर इन देयर मोड्स ऑफ द रिप्रोडक्शन, प्लांट्स के कुछ डिफरेंट मोड्स होते हैं रिप्रोडक्शन के। मेनी प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू सीड, और कुछ प्लांट्स होते हैं जो रिप्रोड्यूस करते हैं किसके थ्रू, सीड्स के थ्रू। प्लांट्स प्रोड्यूस सीड, प्लांट्स क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं सीड विच कैन जर्मिनेट एंड ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स, और वो क्या होते हैं, जर्मिनेट करते हैं और ग्रो करते हैं किसी न्यू प्लांट्स को, जैसे कि फिगर 9.15 में आपको ये समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओन काइंड थ्रू और रिप्रोडक्शन, जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं मोर ओन काइंड, मतलब आपके खुद के ओन काइंड थ्रू, किसके थ्रू, रिप्रोडक्शन के थ्रू। इट टेक प्लेस इन मेनी डिफरेंट वे, और वो क्या होती है, बहुत सारी डिफरेंट वे में रहते हैं फॉर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, मतलब डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में रहती है। डू ऑल ऑर्गेनिज्म मूव, क्या ऑल ऑर्गेनिजम्स मूव करते हैं, ये आपको क्या करना है, स्टडी करना है यहाँ। वॉट देन इज लाइफ, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वॉट देन इज लाइफ, ये क्या है, इंटरेस्टिंग पार्ट है, ये आपको खुद को स्टडी करना है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे होम स्टे सेफ, थैंक यू।